एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो हो सका तो शाम की आरती भी ले लेंगे और वहीं से हम विश्राम घाट भी जाएंगे और वहाँ पास में जो मार्केट है वहाँ पर स्ट्रीट फूड भी इंजॉय करेंगे। तो अभी निकलते हैं, काफ़ी लेट भी हो गए अभी, तो चलते हैं फिर। और मेरे साथ जा रही है बेबी, हेलो बोलो। हेलो। और मेरे पति देव भी जा रहे हैं। हेलो। चले चलो चलो, चलिए चल। ये देखो ये क्या कर रहे हैं दोनों। कहाँ जा रहे हो भाई डंडा लेके? ओहो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और ये क्या माथे पे लगाया है, कलर? बाय बाय। 1 hour later। तो अभी हम लोग पहुंच गए यमुना घाट पर और सामने यमुना जी भी नजर आ रही हैं। तो चलिए आगे चल के भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं और आज मुझे रश थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, फिर आगे चल के देखते हैं। तो लीजिए, पहुंच गए हम लोग घाट पर और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये रहा एक छोटा सा शिव मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर एक बंगाली घाट है और यहाँ पर अलग अलग घाट पर योग, तो आगे शायद विश्राम घाट है जहाँ पर पहले भी आई हूँ। और ये देखिए सामने है यमुना रिवर और बहुत सारी बोट भी खड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो। और ये भैया हम लोगों को बुला रहे हैं बोटिंग करने के लिए, तो अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद में करेंगे। तो अभी दीपदान के लिए फूल भी ले लिए हमने और अभी यमुना जी में दीपदान भी करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए ये ना बंगाली घाट है, बंगाली घाट तो है। जैसे आगे भी तो विश्राम घाट है ना, घाट है। श्री यमुना जी का मंदिर है, कृष्ण देव का मंदिर है, उसके बाद में द्वारकाधीश का मंदिर है। हाँ, वो तो पता है। हमारी यमुना मैया की तो पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब कर लेते हैं बोटिंग और बोटिंग में आएगा बहुत ज्यादा मजा, उसके बाद जाएंगे द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग बैठ लिए नाव में और अब करेंगे बोटिंग। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ, कितना अच्छा लग रही है ना। बोल यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय, आनंद की जय। बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, आगे पक्षी इधर आएंगे। आपकी आवाज सुनती है? देखो देखो देखो, ये देखो, फिर आएंगे।
चावल डालो। कैसा लग रहा है दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखो एक साला। भैया वहाँ नहीं लेके जाओगे? तुम्हें क्या, तुम तो बैठे हो ना आराम से। हम लोगों ने कर लिए बोटिंग और अब जा रहे हैं द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये द्वारकाधीश जाने के लिए है। बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी है, दक्षिण मुखी हनुमान जी। भगवान जी का पंखा, सब ठाकुर जी का। ये वाले ये है, मैंने घर में सभी के लिए ले लिए हैं। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बढ़िया। चलिए ये वाले रखते हैं। ये कितने होता है? तिलक लगाने का सारा चाहिए। तिलक लगाने के लिए है ये, देखो मटकी है, मटकी छोटी सी मटकी है। जो ये जहाँ से ये बच्चे के खेलने के लिए टीथर, हाँ टीथर है ना ये, खेलते थे। अच्छा ये वो है, नीचे जाता है ये गट्टू है, और चलाते हैं इसको भैया। अरे वाह क्या बात है। पंखे मिल रहे हैं ना? हाँ सुंदर सुंदर पंखे मिल रहे हैं ना, पंखे वगैरह सब मिलते हैं। तो हमारी छोटी मोटी शॉपिंग भी हो गई है, और अब जा रहे हैं मंदिर।